जनगणना प्रारूप फॉर्म में ओबीसी का कॉलम अलग नहीं रखा गया है। इस बात को लेकर ओबीसी युवा अधिकार मंच की ओर से संविधान चौक पर धरना आंदोलन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। भारत सरकार के द्वारा हर 10 साल बाद जनगणना की जाती है। 2011 की तरह इस साल भी 1 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाली है, लेकिन इस बार भी पिछली बार की तरह जनगणना प्रारूप फॉर्म में ओबीसी का कॉलम अलग नहीं रखा गया। इससे ओबीसी समाज इस बार भी जनगणना से वंचित रहने की संभावना है। ओबीसी की जाति निहाय जनगणना स्वतंत्रता पूर्व भारत में अंग्रेजों द्वारा 1931 में की गई जनगणना के हिसाब से ओबीसी की संख्या भारत में 52% है। स्वतंत्रता के बाद ओबीसी की जनगणना नहीं की गई। अब तक ओबीसी में 3000 से भी ज्यादा जातियों की सूची को शामिल किया गया है। केंद्रीय ओबीसी सूची के अनुसार महाराष्ट्र के ओबीसी, एसबीसी, एनटीडी और वीजेएनटी यह समाज शामिल है। ओबीसी समुदाय आज भी 2020 में शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़ा है। यह विशाल समाज जो कि भारत की आधी आबादी से भी ज्यादा है, इस समाज की 90% जनसंख्या आर्थिक रूप से कमजोर है। केंद्रीय सचिवालय में सचिव और अतिरिक्त सचिव पदों पर एक भी ओबीसी समुदाय का अधिकारी नहीं है और 100 से अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक भी ओबीसी प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है। इससे पता चलता है क्योंकि नीतियां बनाने के लिए प्रोफेसर व सचिव यह महत्वपूर्ण पद है। इसके कारण ओबीसी वर्ग की समस्या सभी क्षेत्र में पड़ गई है। ओबीसी युवा अधिकार मंच की मांगे कुछ इस तरह की है। ओबीसी की जाति निहाय जनगणना की जाए, केंद्र में ओबीसी के लिए अलग से मंत्रालय और जनसंख्या के अनुसार बजट का प्रावधान करें, केंद्र और राज्य की ओर से विभाग एवं जिला स्तर पर ओबीसी विद्यार्थियों के लिए स्वतंत्र छात्रावास का निर्माण किया जाए, यूपीएससी परीक्षा के साक्षात्कार पैनल में जनसंख्या के आधार पर ओबीसी, एससी, एसटी को शामिल किया जाए, ओबीसी क्रिमिलियर के लिए बनाई गई बीपी शर्मा कमेटी की रिपोर्ट को जनहित में जारी करें, केंद्रीय स्तर के सभी परीक्षाओं के शुल्क एससी एसटी आरक्षित वर्ग की तरह ओबीसी को लागू की जाए। दर्शकों नमस्कार, इस समय में इनबीसीएन की टीम संविधान चौक पे खड़ी है, जहां पर ओबीसी के लोग, युवा अधिकार मंच के लोग यहां पे कुछ धरना आंदोलन करने के लिए आए हुए हैं। धरना आंदोलन आखिरकार क्यों किया जा रहा है, आइए ये सब जानना चाहेंगे उन्हीं से। आप देख सकते कि ये वही सब आंदोलनकारी है ओबीसी युवा अधिकार मंच के, जो सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए यहां पे आए हुए हैं। सर ये बताए कि जिस तरह से ओबीसी की जो जनगणना जो हो रही है, जैसे कि 2011 में हुई थी, अब की बार 1 अप्रैल 2020 को होने जा रही है, क्या प्रॉब्लम क्या आपको? जिस समय जो प्रारूप बना है ओबीसी जनगणना का, इस प्रारूप में ये देखा गया है कि प्रारूप में बस एससी एसटी और अदर्स इस तरह के तीन ही कॉलम है। जब 90 साल से जो हो रहा है हमारे साथ में ओबीसी के साथ में, कि हमारा ओबीसी का अलग से जनगणना नहीं हो रही है, इसके इस माध्यम से अधिकार मंच के माध्यम से हम यही मांग कर रहे हैं कि ओबीसी की जनगणना हो और जो समाज भारत की आधी आबादी से भी ज्यादा है उस समाज का पार्टिसिपेशन पता चले, सहभागिता कितनी है, क्योंकि उस समाज के आईएएस आईपीएस ऑफिसर होने के बावजूद भी सेक्रेटरीज प्रोफेसर इस तरह के बड़े पदों पे नहीं होने के कारण, पॉलिसी मेकिंग में नहीं होने के कारण ओबीसी समाज बड़ी परेशानियों के साथ में गुजर रहा है, परेशानी हो रही है ओबीसी समाज में। यदि 1 अप्रैल 2020 को आपकी मांगे पूरी नहीं होती, यानी जो कॉलम जो है ओबीसी का नहीं होता है जी, तो सरकार के खिलाफ आपकी अगली रणनीति क्या होगी? देखिए अभी जो हमारा जो आंदोलन है, ये आंदोलन अभी हमारा हमेशा चालू रहेगा, और जो 1 अप्रैल से अगर ये नहीं होता है तो हम इस जनगणना में सहभाग नहीं लेने वाले। हम गाँव गाँव में जाकर लोगों को बताएंगे कि ये जनगणना हमारे खिलाफ है, इसमें कोई हमारा पार्टिसिपेट नहीं है, तो इसलिए इस जनगणना का बहिष्कार करो। 1931 में सबसे लास्ट टाइम जो जनगणना हुई थी हमारी ओबीसी की, वो 1931 में हुई थी। उस समय इस देश में अंग्रेजों का शासन था, लेकिन भारत स्वतंत्र होने के बाद भी आज तक हमारी ओबीसी की जनगणना नहीं हो रही है। अभी एक आपको रिसेंटली बात बता दूं तो रोहिणी आयोग जो एक ओबीसी के लिए गठित किया गया है, रोहिणी आयोग कह रहा है कि हमको ओबीसी का विभाजन करना है, इसके लिए वो सरकार को बोलती है कि हमको ओबीसी के आंकड़े चाहिए, सरकार ओबीसी के आंकड़े देने के लिए तैयार नहीं है, और तो सरकार बोलता है कि आप अपना आयोग दो। मतलब ये तो ऐसा बात हो गई कि बिना खेती की गिनती करे एक पिताजी अपने बेटे को बांटना चाहता है तो कैसे बांट सकेगा वो, तो ये बहुत बड़ा एक इशू है, तो इसलिए जनगणना होना बहुत जरूरी है। जनगणना क्यों जरूरी है, इसके बारे में ओबीसी युवा अधिकार मंच के ये जो तमाम कार्यकर्ता इन्होंने जानकारी दी है। एक बात तो ये तय है कि सरकार चाहे किसी की भी आए, हर सरकार बनाने के लिए जो पूरी जो ताकत रहती है वो खास तौर पे ओबीसी की रहती है, क्योंकि ओबीसी की ये जो संख्या है पूरे राज्य में नहीं तो बल्कि भारतवर्ष में भी बड़ी संख्या में है। मगर अफसोस कि आए दिन ओबीसी के ऊपर में जिस प्रकार से ये अन्याय अत्याचार जनगणना को लेकर हो रहा है, इसकी रोकथाम हो और उन्हें भी एक मौलिक अधिकार मिले, क्योंकि
संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जिस प्रकार से ये मूलभूत सुविधा है और जो मौलिक अधिकार दिया है उससे कोई भी वंचित न हो, क्योंकि देश को आज़ाद हुए भले 72 वर्ष हो चुके हैं लेकिन क्या सही मायने में इस देश के जो नागरिक है, खासतौर पर विदर्भ महाराष्ट्र के जो नागरिक है, क्या वे सही मायने में आज़ाद है? ये सवाल अब भी बरकरार है इस जनगणना ओबीसी को लेकर। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में सरकार इस ओर क्या पहल कदम उठाती है या फिर आंदोलनकारी अपना यह आंदोलन यूं ही जारी रखते हैं। नागपुर के संविधान चौक से कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मिरे, इनबीसीएन न्यूज नागपुर। ओबीसी के